नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप इसे 1.7x या 2x पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती है। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, लेक्स इंडस्ट्रीज 1995 में तैयार हुई थी। ये होजरी बिजनेस में नंबर वन ब्रांड है और जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उसमें इसका 40% स्टेक है और ये मिड और सेगमेंट के लिए होजरी बनाने का काम करती है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स पे आएँ तो 4000 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 1600 रुपये का है और 1900 रुपये से नीचे आया है ये और 1100 रुपये से ऊपर चला गया है, मतलब 500 रुपये ऊपर है अभी और 500 रुपये नीचे है। मतलब ये अभी आपको लो रिस्क पे मिल रहा है ये शेयर। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है इसका और इसके जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से ये ज़्यादा महंगा नहीं है। PE इसका 46 है और ROC 12 का है और ROE 19 का है और इसमें FIS के 0.03% होल्डिंग बढ़ाई है। DS ने भी बढ़ा दी है और इसका अगर EPS देखे 3 साल का निगेटिव है और प्रॉफिट जो है 3 साल का वो भी निगेटिव है, लेकिन सेल्स अच्छी है इसकी। तो देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ये इसने बेस फॉर्मेशन कर दिया है 1400 के लेवल का और ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं ये वॉल्यूम इसको अभी ये बेस से ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। ये जो 5200 डेमा का इसका एवरेज है उसको इसने क्रॉस कर दिया है 2-3 बार और वहाँ से नीचे आ जाता है बार बार। तो जब जब आपको इसके नीचे मिले तब इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, तो जिससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। अगर इसका थोड़ा लॉन्ग चार्ट देखें हम 3 से 5 साल का, तो 5 साल का अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा लेवल से ऊपर से नीचे आया है और एक राउंडम बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है और इसमें अभी बॉटम पे अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है जिसकी वजह से इसका चार्ट पॉइंट 100% या 4000 को छुएगा। मतलब आपको यहाँ से 3x का मौका मिल सकता है। कंपनी कर्जा मुक्त कंपनी है, कंपनी आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और दूसरी बात बताऊँ तो आपको इसका जो RSI है वो 64 का है जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर इसमें FIS ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है जो कि एक पॉजिटिव बात है। ROC और ROE भी पॉजिटिव है। अगर हम इसका सेल्स देखें ईयरली बेसिस पे तो 2381 करोड़ है। TTM बेसिस पे जो आने वाले कुछ क्वार्टर में बढ़ जाएगा। मार्जिन 7 का है और अगर इसकी EPS देखें तो 103 रुपये की है। तो इसका चार्ट पैटर्न अभी नीचे आ चुका है इसलिए इसमें रिस्क कम हो गई है। अगर हम इसका नेट कैश फ्लो देखें वो माइनस का है और अगर हम इसका ROC देखें वो 13 का है और FIS की पोजीशन देखें तो बढ़ गई है और DS ने थोड़ी सी अपनी स्टेक कम कर दी है और प्रमोटर ने भी अपनी स्टेक अभी मेंटेन रख चुकी है। तो इसका RSI और इसका चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन अगर देख के बताएं तो इससे नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है। तो ये आपके लिए एक सेफ बेट हो सकती है बड़े रिस्क के बड़े गेंस के लिए। अगर आपको अंदर से अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।